वहीं राजधानी लखनऊ में कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी है। ऑक्सीजन की कमी है, अस्पतालों में बेड नहीं है और दवाइयों की भी कालाबाजारी की जा रही। ऐसे में विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी लोगों की मदद के लिए आगे आए। उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप वर्मा अपनी एक टीम बनाकर लोगों तक ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए उन्हें पहुँचे और विद्युत विभाग का काम बिजली प्रदान करना है, लेकिन उसके साथ ही प्रदीप वर्मा अपनी टीम के साथ ही सराहनीय काम करके कहीं ना कहीं लोगों की जान बचाने का काम भी कर रहे हैं। जब कोरोना की लहर चरम पर थी, उस दौरान आपने लोगों को देखा कि किस तरीके से लोग राशन बांट रहे थे, खाना बांट रहे थे, लेकिन इस बार जो लहर है कोरोना की चल रही है लखनऊ में खास तौर पे, तो लोग अलग तरीके से मदद कर पा रहे हैं क्योंकि इस बार जरूरतें अलग है, तस्वीरें अलग है और भी ज्यादा भयावह है। इस बार ऑक्सीजन की कमी है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, इंजेक्शन नहीं मिल पा रही है, दवा नहीं मिल पा रही है और खास तौर पे अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इसी दौरान कुछ लोग कालाबाजारी करने में भी लगे हैं, लेकिन तमाम लोग ऐसे भी हैं जो इस समय पुण्य का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों तक मदद पहुंचा पा रहे हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति है हमारे साथ, प्रदीप वर्मा मौजूद है, जो कि पावर कॉर्पोरेशन में काम करते हैं, हालांकि एक सरकारी कर्मचारी है, लेकिन फिर भी इनसे जो हो पा रहा है वो कर पा रहे हैं, लोगों की मदद कर पा रहे हैं। प्रदीप जी, आप भले ही सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन ये जो दौर चल रहा है, जिस तरीके से लोग गलत काम कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, उस दौरान आप लोगों तक जो मदद पहुंचा पा रहे हैं, जिसकी हमें जानकारी हुई, फिर हम आप तक आए, किस तरीके से आप कर पा रहे हैं? मैं प्रदीप वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन का नेता हूँ और एक क्रिकेटर भी हूँ, यूपीपीसीएल की क्रिकेट टीम से खेलता भी हूँ। तो जैसे 11 खिलाड़ी टीम भावना से कार्य करते हैं जितने भी, उसी प्रकार से मैं भी ये सोचता हूँ कि आज की डेट में कालाबाजारी के दौर में देखा कि लोग पैसा लेकर के भी जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है या ऑक्सीजन सिलेंडर में देखा कि ऑक्सीजन भी नहीं है, रेमडेसिविर में देखा गया कि उसमें कालाबाजारी टेपिंग, गलत टेपिंग करके दिया गया, जो जो पेशेंट ठीक हो सकते थे वो भी नहीं हो पाए। तो उसमें मैंने पहल की कि दो हॉस्पिटलों से मैंने पहले टाई अप किया, जेपी हॉस्पिटल जो कि जानकीपुरम नहर रोड के पास में है, वहाँ डॉक्टर पंकज पांडे जी हैं, वो कोविड का हॉस्पिटल है, वहाँ पर काफ़ी सहायता मिली, डॉक्टर साहब के सिलेंडर जितने भी जाते थे उनको वहाँ से जायसवाल ऑक्सीजन केंद्र पे भेजा गया एजेंसी में, जहाँ पर चौकी इंचार्ज साहब राधेश्याम मौर्य जी भी रहे, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा सिलेंडर पाने में। मतलब हॉस्पिटल्स के जो लोग हैं और पुलिस के जो लोग हैं और आप हैं, आपने एक टीम बनाकर, जैसे आप कहा कि आप क्रिकेटर हैं, एक टीम की तरह खेलते हैं, एक टीम बनाकर आप लोगों की मदद करा पा रहे हैं, उनको एडमिट करा पा रहे हैं, उनको दवाई दिला पा रहे हैं। जी, बहुत पूरी तरीके से हमारा सहयोग किया डॉक्टर पंकज पांडे और माँ हॉस्पिटल से डॉक्टर एनपी सिंह जी ने, जो जो मैंने रात रात 11, 12 बजे काफी ऐसे पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में थे जो कि वेंटिलेटर उनको नहीं मिल पा रहा था, वेंटिलेटर के लिए बोला गया, डॉक्टर पंकज पांडे ने भी काफी हमारा सहयोग किया और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए काफी लोग फोन करते रहे, तो मैंने ये कहा कि भैया खाली सिलेंडर अवेलेबल कराइए, मैं आपको भरवाता हूँ। तो जैसे ही हॉस्पिटल की गाड़ी जाती थी वैसे उनके भी सिलेंडर, जो भी गरीब व्यक्ति होते थे उनके सिलेंडर भिजवा करके 2 से 3-4 घंटे जो भी लगता था जल्द से जल्द उनको अरेंज कराया गया। सर, इस समय जब कालाबाजारी का दौर चल रहा है, लोग आमादा है पैसा कमाने में, उस समय क्या लगता है? अभी मैंने देखा कि ये यहाँ पर तमाम लोग जो मौजूद हैं इनको ये मास्क भी वितरित कर रहे हैं, तो इस दौरान इस तरीके के लोगों का होना बहुत जरूरी है जो लोगों की इस तरह से मदद कर पा रहे हैं। आइए, हमारे बिजली विभाग की बात होगी, हमारे बीच में प्रदीप वर्मा जी मौजूद हैं और ये हर जरूरतमंद के लिए हमेशा खड़े रहे हैं और आज भी के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, आज भी 12 बजे 2 बजे रात में भी। बिजली विभाग जिसका काम है लोगों तक बिजली पहुंचाना, उसके जो कर्मचारी हैं वो इस वक्त कोरोना वॉरियर भी बने हुए हैं। प्रदीप वर्मा, जिनसे हमने बातचीत की, वो किस तरीके से एक क्रिकेटर हैं, तो उनको टीम भावना पता है, तो टीम की तरह काम कर रहे हैं, उसमें पुलिस भी है, उसमें डॉक्टर भी है, उसमें बिजली कर्मचारी भी है, जो कि टीम बनाकर लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं, चाहे वो इंजेक्शन हो, चाहे वो बेड की बात हो, चाहे ऑक्सीजन की बात हो। तो फिलहाल इस समय जो कालाबाजारी मदद किए जा रहे हैं और ऐसे लोगों को और भी ज्यादा प्रोत्साहन मिलना चाहिए और इस तरीके के लोग सामने आए, ताकि ये जो भयंकर महामारी इस वक्त चल रही है, इससे कहीं ना कहीं हमें आपको और कहीं ना कहीं अपने देश को निजात मिल सके। कर्मचारी सुनो शर्मा के साथ मयूर शुक्ला, लाइव टुडे लखनऊ।